आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छेड़ी गई हर घर तिरंगा मुहिम को अब लोगों का समर्थन मिलने लगा है। हर जाति और मजहब के लोग अब इससे जुड़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई से बांद्रा पूर्व जिला के मुंबई कांग्रेस द्वारा तिरंगा गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। ये गौरव यात्रा वाल्मीकि नगर से लेकर अंबेडकर पार्क तक निकाली गई, जिसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा का आयोजन मुंबई कांग्रेस सफाई कामगार सेल के अध्यक्ष राजेश रेडलान द्वारा की गई। आइए जानते हैं इस रैली के बारे में मीडिया से बात करते हुए राजेश रेडलान ने आखिर क्या कहा। के उपलक्ष्य में भारत गौरव यात्रा का हमारे सम्मानीय नेता आदरणीय भाई जगताप जी के आदेश अनुसार मुंबई के हर जिला हर वार्ड में हमने आजादी की गौरव यात्रा निकाली है। और मैं सभी हिंदुस्तान वासियों को 75वें वर्ष के स्वर्ण उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद और भारत माता की वंदे वंदे। एक सवाल, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और जिसका जीता जागता सबूत भी लोगों के सामने पेश हुआ, हर कोई आज हाथों में तिरंगा लेके घूम रहा है, और कांग्रेस द्वारा जो है गौरव यात्रा, देखिए कांग्रेस की हो या ये जो तिरंगा है ना, ये किसी एक पार्टी का नहीं, ये तिरंगा हमारी आन बान शान है और हम हमारे भारत की सरकार का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उस वक्त आज के वक्त अगर कोई भी सरकार होती तो वो इस अमृत महोत्सव को इसी प्रकार मनाती, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वजह है। लेकिन आज मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भारत का अमृत महोत्सव शुरू है और हम चाहते हैं कि भारत की समृद्ध महोत्सव में देश का हर वासी गौरव महसूस कर रहा है और अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएगा। हम सम्मान करते हैं मोदी साहब का, जिन्होंने हर घर तिरंगा लगाने की एक अपील की है। उसी के साथ साथ उनकी और बहुत सारी अपील होनी चाहिए। इस तिरंगे यात्रा के दौरान जो कल 15 अगस्त है, जो हमारे लाल किले से वो भाषण देंगे, तो हम यही कोशिश करते कि जैसे तिरंगा यात्रा का उन्होंने किया है, उसी प्रकार से गरीबों के विषय में कुछ कल बात करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते। ये वाल्मीकि नगर से शुरू की है और ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान तक जाएगी और ये वाल्मीकि समाज के मुंबई कांग्रेस सफाई कामगार विभाग की तरफ से है। हमारे साथ हमारे मुंबई कांग्रेस के महासचिव महामंत्री पप्पू ठाकुर जी है, हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हमारे तेगी जी है, हमारे अब्बू भाई है और ये सारे पूरी जनता का ये एक दृढ़ संकल्प है कि 75वें वर्ष पे हम भारत की गौरव यात्रा निकाले। क्या कहेंगे आज जिस तरह से गौरव यात्रा निकाली गई हर घर तिरंगा अभियान के तहत? हर घर तिरंगा यात्रा, तिरंगा अभियान जो चालू किया है मोदी जी ने, उनको तो शर्म आने चाहिए। वो तो कहते हैं, उनके मंत्री, उनके चमचे लोग कहते हैं कि आज 2014 में बीजेपी देश आजाद हुआ है, तो उनको गौरव यात्रा मनाने का वो नहीं है। आज गौरव तिरंगा यात्रा जो कांग्रेस जो उत्सव मना रही है, कांग्रेस की यात्रा है। तरीके से घर घर तिरंगा अभियान में लोगों का बढ़ चढ़ कर प्रसाद मिल रहा है और आज आपके गौरव यात्रा में भी लोग निकले हुए हैं, क्या
क्या कहेंगे, कैसे शुभकामनाएं और कैसे लोगों को तिरंगा के प्रति जागरूक करेंगे? देखो देश देश के प्रति हर जनता हमारे देश के प्रति जागरूक है, देश का सम्मान करते, इसके लिए हर हर घर घर तिरंगा लगा रहे और लोग इसमें हर पार्टी के लोग जुड़े।